हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखिए बच्चों का शर्ट सिलने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैंने देखिए इस वीडियो में ए टू जेड पूरी कटिंग और इसकी सिलाई पूरा डिटेल से बताया है। तो पहले देखिए हम यहाँ पर मेजरमेंट ले लेंगे। अगर मेजरमेंट लेना नहीं आता तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देख सकते हैं। पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे, तो दोनों जो सिलाई होता है शोल्डर वाली, ऐसे आप नाप लीजिएगा। तो मेरा देखिए ये 12 इंच है। इसी प्रकार आपका देखिए कम ज़्यादा आ सकता है। अगर बच्चा बड़ा हो तो ज़्यादा भी आ सकता है, और छोटा बच्चा हो तो इससे कम भी आ सकता है मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे चेस्ट का जो मेजरमेंट है यानी कि गोलाई, वो 23 इंच आया, तो यहाँ पे मैं 23 इंच रखूँगी। और यहाँ पर हम देखिए कमर का मेजरमेंट लेंगे, तो कमर की गोलाई देख सकते हैं, उसी प्रकार से पूरी गोलाई नाप लेंगे। तो यहाँ पर ये 22 इंच है, देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे हम यहाँ पे हिप का मेजरमेंट ले लेंगे, तो इसकी जो गोलाई है देखिए 25 इंच आया। अब देखिए हम शर्ट का पूरी लंबाई लेंगे, यानी कि कितना लंबा आपको शर्ट बनाना है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो लंबाई लेते समय देखिए यहाँ से नापेंगे, जो उठा हुआ शोल्डर का भाग है वहाँ से आपको टोटल लंबाई लेना है। तो मैं यहाँ पे देखिए ये मैं लंबाई 22 इंच रखूँगी, क्योंकि मुझे शॉर्ट थोड़ा लंबा ही बनाना है, क्योंकि ये देखिए थोड़ा इन कर पहनना है। तो मैंने यहाँ पे 22 इंच लिया है। इस हिसाब से आप लंबाई इससे कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब देखिए स्लीव्स की लंबाई ले लेंगे, तो 4 से 5 इंच रख लेंगे, क्योंकि देखिए छोटा बाजू बनाना है। और फिटिंग देखिए यहाँ पर लगभग 7.5 इंच आया, यानी कि लगभग 9 इंच पर हम इसको तैयार रखेंगे रेडी। अब देखिए यहाँ पे हम कॉलर की गोलाई ले लेंगे, देख सकते हैं ये फिटिंग पूरा कॉलर यहाँ पे देखिए 13 इंच है। तो 13 इंच पे भी आप कॉलर तैयार रख कर सकते हैं, या फिर अगर आपका बच्चा थोड़ा लूज कॉलर पहनता है, यानी कि आपको थोड़ा कॉलर लूज बनाना है, तो 13.5 या फिर 14 इंच पे भी आप कॉलर तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं जो टोटल मेजरमेंट आया था मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दिया था, बिल्कुल इसी मेजरमेंट पे हम टोटल कटिंग करेंगे। तो इसको बनाने के लिए देखिए ये मैंने 1.25 मीटर कपड़ा लिया है, यानी कि 1 मीटर आप लेंगे तो आराम से बन जाएगा। ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसी का मैं यूज करूँगी। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर चेस्ट के अकॉर्डिंग कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। टोटल चौड़ाई मैंने देखिए 10 इंच लिया है। अब देखिए यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे, तो जितना लंबा आपको शॉर्ट तैयार रखना है देखिए उतना पे ही ऐसे निशान लगा लेना है। ये मैंने 22 इंच लिया है। नीचे से अगर ज़्यादा चौड़ा फोल्ड करना हो तो 1 इंच बढ़ा लीजिएगा। अब देखिए शोल्डर का हाफ और प्लस 1/2 इंच सिलाई के लिए, तो ये 6.5 इंच हो गया। अब देखिए आर्म होल हम यहाँ पर चेस्ट का 4th भाग लेंगे, 4th हिस्सा, तो ये लगभग 6 इंच आएगा। इसके बाद देखिए हम कमर का निशान लगाएंगे, तो आर्म होल वाला लाइन और नीचे वाला जो लाइन है ऐसे नापेंगे, और इसे लगभग 1 इंच ऊपर ये निशान लगाएंगे, तो ये कमर वाला लाइन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम चेस्ट का 1/4 लेंगे। किसी भी साइज के लिए आपको चेस्ट का 1/4 और प्लस 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ये फॉर्मल शर्ट के लिए, अगर देखिए शॉर्ट फिटिंग रखना हो तो 2 इंच लीजिएगा, 1/2 इंच। और इसको देखिए इस प्रकार तिरछे में मिला करके हम ऐसे आर्म होल की गोलाई कर लेंगे, और यहाँ पे भी कमर वाले लाइन पे भी आपको कमर का 1/4 और प्लस 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और उसी प्रकार हिप वाले लाइन पे भी हिप का 1/4 और प्लस 2.5 इंच। अब देखिए तीनों निशान को हम इस प्रकार मिला लेंगे आपस में। अब देखिए नीचे से ऐसे राउंड शेप में कटिंग करेंगे, तो जितनी चौड़ाई है उसका हाफ करेंगे, और इस प्रकार देखिए हल्का सा गोलाई कर लेंगे साइड से। तो लगभग 1.25 इंच ऊपर से मैंने देखिए ये गोलाई किया है, यहाँ पे आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए गले की जो विड्थ है ये हम चेस्ट का बड़वा भाग लेंगे। किसी भी साइज के लिए जो चेस्ट है उसको 12 से डिवाइड कीजिएगा, और जितना आएगा उतना ही हम गले की चौड़ाई रख लेंगे, और लंबाई उससे लगभग 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, और फिर देखिए ऐसे गोलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये पूरा मार्किंग हमने कर लिया। अब देखिए ये फ्रंट पार्ट है, तो हम यहाँ पे फ्रंट साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। पहले भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे निशान लगाने के बाद भी 2 इंच आप ऐसे बढ़ाते हुए कटिंग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं 2 इंच बढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ पूरे में 2 इंच नापते हुए। इतना देखिए ये अंदर के साइड में फोल्ड होगा, यानी कि इससे हम काज बनाएंगे और बटन वाली पट्टी तैयार करेंगे। अलग से हमें ज्वाइंट नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए हमने देखिए यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब देखिए जो एक्स्ट्रा है इसको ऐसे अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पे पिन से सेट कर देंगे। अब हम देखिए ऐसे सेम निशान पे कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अभी मैंने शोल्डर डाउन नहीं किया है, तो लगभग 1 इंच देखिए ऐसे साइड से लेते हुए कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे देखिए 1 इंच लिया है। इससे बड़ा बच्चा हो तो आप यहाँ पे 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच तक ले सकते हैं।
तो देखिए ये फ्रंट पार्ट कट गया। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो फिर से देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। 2 इंच जो हमने फ्रंट में एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ पे हम कम करेंगे और इस प्रकार देखिए एक सीधी लाइन ऐसे खींच लेंगे। और ये जो फ्रंट पार्ट है देखिए शोल्डर से 1 इंच नीचे ऐसे निशान लगाएंगे और जो हमने सीधी लाइन यहाँ पे देखिए ऐसे खींचा है वहीं से इसको ऐसे मैच करते हुए देखिए ऐसे रखेंगे और इधर से फोल्डर साइड से बिल्कुल बराबर रखेंगे और देख सकते हैं इस प्रकार रखते हुए ऐसे सेम बराबर कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आप शोल्डर का निशान फिर से लगा लीजिएगा यानी शोल्डर का हाफ और प्लस हाफ इंच, क्योंकि फ्रंट पार्ट में देखिए ये थोड़ा सा कम हो जाता है जब हम आर्म होल का घेराव करते हैं तो, और बाकी इसे सेम कटिंग होगा। अब देखिए ऊपर हम पट्टी ज्वाइंट करेंगे शोल्डर पट्टी, तो उसकी कटिंग करेंगे या फिर पहले देखिए मैं यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड करते हुए रखेंगे और देखिए 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो टोटल चौड़ाई है देखिए चेस्ट का 1/4 और प्लस आप सिलाई के लिए रख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल 1.75 इंच है, तो इतना में स्लीव्स निकल जाएगा। तो पहले देखिए ऐसे 2 इंच रख लेंगे फोल्ड करने के लिए, 1.5 से 2 इंच, और फिर यहाँ पर लंबाई और प्लस 1/2 इंच सिलाई के लिए, तो ये मैंने 5.5 इंच लिया है। और फिर देखिए इसको ऐसे सीधा करेंगे और आर्म होल की गुलाई करने के लिए देखिए ये छोटा साइज है, मैंने 2.5 इंच लिया है, यहाँ पे 2.75 या 3 इंच भी आप ले सकते हैं। और फिर चेस्ट का 1/4 पे निशान लगाएंगे और यहीं पे देखिए ऐसे गुलाई करते हुए मिला लेंगे। अब देखिए इसका जो बॉटम है अगर आपने लूजिंग के साथ नाप लिया है तो उसका हाफ कीजिएगा और प्लस सिलाई के लिए रख लीजिएगा। बहुत लोग फिटिंग के साथ नाप लेते हैं तो फिटिंग में हमें देखिए यहाँ पर 2 इंच लूजिंग ऐड करना होता है और 1/2 इंच सिलाई के लिए रखते हैं। तो जैसे आपने नाप लिया है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निशान लगाइएगा और देखिए अब सेम निशान पे कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं स्लीव्स की कटिंग हो गया। अब देखिए जो शोल्डर पट्टी होता है बैक साइड में उसकी कटिंग करेंगे। तो फिर से जो बचा हुआ कपड़ा है देखिए इसको ऐसे 4 फोल्ड करते हुए रख लेंगे। ये 2 पीस में कटिंग होगा, डबल रहता है यहाँ पे फैब्रिक। अब देखिए बैक का जो शोल्डर है यहाँ पे ऐसे नापेंगे तो ये टोटल 6.5 इंच है, तो यहाँ पे हम देखिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे। मैंने यहाँ पे देखिए 7 इंच लिया है। देखिए ज्वाइंट करने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो आप कम कर सकते हैं बाद में। और लंबाई मैंने यहाँ पर 5 इंच लिया है। अगर देखिए 5 साल से छोटा बच्चा हो तो 4.5 इंच ही लीजिएगा ये लंबाई। और फिर यहाँ पर देखिए गले की विड्थ लेंगे 2 इंच और 1 इंच ऐसे घेराव कर लेंगे। और इधर से भी देखिए इसे 1.25 इंच शोल्डर ऐसे डाउन करेंगे और इसी निशान पे देखिए ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो ये शोल्डर पट्टी देखिए कटिंग हो गया। ये 2 पीस में रहता है तो दोनों को देखिए ऐसे अलग कर लेंगे। और ये देखिए बैक पार्ट में यहाँ पे ये जॉइंट हो जाएगा। और ये जो फ्रंट पार्ट है देखिए इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो यहाँ पर कट लगा लेंगे और इसको भी देखिए ऐसे बीच से कट करके अलग कर लेंगे दोनों को। तो देख सकते हैं कटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम देखिए सिलाई करेंगे। तो कटिंग में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो आपको, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपके मन में, तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब देखिए हम सिलाई कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो फ्रंट का जो काज वाली पट्टी होता है देखिए वहाँ पर लगाने के लिए मैंने सीधी पट्टी कटिंग किया है। ये बकरम वाली लगभग 1 इंच चौड़ी मैंने पट्टी लिया है, देख सकते हैं। इसको देखिए हम यहाँ पे राइट साइड की तरफ रखेंगे। ये सीधा साइड रहेगा तो हम देखिए ये जो बकरम वाली पट्टी है इसको उल्टे साइड की तरफ रखेंगे ऐसे। और पहले देखिए यहाँ पे किनारे से एक सिलाई कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए पेस्टिंग वाला नहीं है तो पहले मैं यहाँ पर एक सिलाई करके इसको अटैच कर लेती हूँ। और फिर इसको देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, ये सिंगल फोल्ड हुआ। और फिर से एक और फोल्ड करेंगे ऐसे डबल फोल्ड, और यहाँ पे लगभग 1 पॉइंट पकड़ते हुए देखिए ऐसे सिलाई करेंगे, यानी कि ये जो सिलाई है देखिए इससे बकरम की जो पट्टी है वो दब जाना चाहिए ऐसे। अब देखिए पट्टी को ऐसे सीधा करेंगे और यहाँ पे किनारे पे एक और सिलाई करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही सिलाई करेंगे यानी कि उतना ही फैब्रिक छोड़ते हुए। देख सकते हैं ये काज वाली पट्टी तैयार हो गया। अब हम देखिए बटन वाली पट्टी तैयार करेंगे। तो पहले गले को ऐसे देखिए गोलाई में कटिंग कर लेंगे। तो
अब देखिए बटन वाली पट्टी बनाने के लिए पहले देखिए जो हमने काज वाली पट्टी तैयार किया है इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और रखने के बाद देखिए ये जितना एक्स्ट्रा है ऐसे निशान लगा लेंगे और इसको देखिए ऐसे उल्टे साइड में फोल्ड करेंगे। जितना ये एक्स्ट्रा है उस सभी को ऐसे अंदर के साइड में फोल्ड करेंगे तो लगभग 1.5 इंच देख सकते हैं ये फैब्रिक एक्स्ट्रा है। तो इसमें से फिर से हम देखिए ऐसे लगभग 1/2 इंच 1/4 इंच ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे देखिए ऐसे किनारे पे सिलाई कर लेंगे। तो इस प्रकार ये बटन वाली पट्टी देखिए तैयार हो जाएगा। तो इसमें बटन अटैच होगा और जो पहले हमने तैयार किया था उसमें काज बनेगा। तो देख सकते हैं ये दोनों पल्ला तैयार हो गया, फ्रंट का पल्ला तैयार हो गया। अब देखिए बैकअप भी इसी प्रकार तैयार कर लेंगे। तो इसको देखिए ऐसे बीच से फोल्ड करते हुए सेंटर में कट लगा लेंगे और इसी प्रकार ये जो शोल्डर वाली पट्टी हमने तैयार किया है इसमें भी ऐसे सेंटर में कट लगाएंगे और देखिए इसको ऐसे रखेंगे, यानी कि एक पल्ले को नीचे की तरफ रखेंगे और दूसरे को देखिए ऐसे ऊपर की तरफ रखते हुए सिलाई करेंगे। यानी कि तीनों का जो कट है देख सकते हैं हमने जो कट लगाया है वो मैच होना चाहिए और इस प्रकार 1/2 इंच पकड़ते हुए यहाँ पे देखिए ऐसे सिलाई करेंगे। देख सकते हैं ये सिलाई हो गया। अब देखिए दोनों को ऐसे सीधा करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई कर लेंगे इसको दबाते हुए, तो ये जो मार्जिन है अच्छे से अंदर की तरफ ये छुप जाता है। तो देखिए फ्रंट और बैक ये दोनों पल्ला तैयार हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए दोनों का सीधा साइड ऐसे अंदर की तरफ करते हुए रखेंगे और इस प्रकार देखिए हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे, यानी बैक साइड का जो शोल्डर का दूसरा पल्ला है देखिए ऐसे घुमाते हुए इसको ढक देंगे फ्रंट वाले पल्ले को और इस प्रकार देखिए तीनों को पकड़ते हुए यानी कि एक बराबर मार्जिन पकड़ते हुए देखिए ऐसे सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद देखिए इसको ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे भी देखिए मार्जिन अंदर की तरफ छुप गया है देख सकते हैं। अगर देखिए उस तरीके से आपको समझ में नहीं आया हो तो पहले यहाँ पे देखिए ऐसे सिलाई खींचिए एक पल्ले को छोड़ते हुए, देख सकते हैं एक पल्ले को पकड़ते हुए सिलाई कर लिया है। अब देखिए दूसरा जो पल्ला है इसको ऐसे घुमाते हुए नीचे की तरफ से ऐसे लाएंगे देखिए ऐसे और फिर से हम देखिए उसी सिलाई के ऊपर एक और सिलाई कर लेंगे, यानी कि दो बार करके भी आप इसको ज्वाइंट कर सकते हैं दो बार में देख सकते हैं। अब इसको ऐसे खींचेंगे तो इसमें भी हम देखिए मार्जिन ये छुप गया है अंदर की तरफ। अब देखिए इसके ऊपर यानी कि यहाँ पे एक सिलाई करेंगे तो ये अच्छे से दब जाएगा देख सकते हैं। दोनों शोल्डर के ऊपर ये मैंने सिलाई कर लिया है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा ये एक्स्ट्रा हो गया है तो इसको ऐसे कट करके बराबर कर लेंगे इसके बाद देखिए हम इसमें स्लीव्स ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए स्लीव्स को यानी कि बाजू को मैंने अभी नहीं तैयार किया है तो पहले मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे तो देखिए मैंने इसमें फ्रंट के साइड में घराव की भी कटिंग नहीं किया है तो लगभग 1 इंच पकड़ते हुए देख सकते हैं ये मैंने घराव कटिंग कर लिया है और इस प्रकार देखिए मैंने निशान लगा दिया है ये उल्टा साइड रहेगा। तो इसको देखिए उल्टे साइड की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच लिया था तो 2 इंच को फैब्रिक को देखिए ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और ये जो पट्टी है देखिए ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, लगभग 1 इंच चौड़ी पट्टी हम ऐसे देखिए तैयार कर लेंगे और इस प्रकार देखिए इसके ऊपर ऐसे किनारे किनारे सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे सिलाई करने के बाद ये जो सिलाई है इसे 1 फुट नीचे एक और सिलाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए ऐसे डबल सिलाई कर लेंगे। अब देखिए अगर फैब्रिक निकलने वाला हो तो पहले यहाँ पे आप इंटरलॉक कर लीजिए या फिर इसको देखिए ऐसे सीधे साइड की तरफ करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए, यानी कि लगभग 1 पॉइंट देखिए ऐसे सीधे साइड की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने दोनों बाजू में देखिए सिलाई लगा लिया है और दोनों के सेंटर में देखिए मैंने निशान लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पर इसको ज्वाइंट करेंगे तो पहले देखिए हम इसका भी सेंटर करेंगे, यानी कि बीच से फोल्ड करते हुए पहले सेंटर कर लेंगे और दोनों यानी स्लीव्स का सेंटर और शोल्डर का सेंटर देखिए ऐसे मैच करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो किनारे से भी लगा सकते हैं, देखिए ये बराबर हो जाएगा अगर आपने चेस्ट का 1/4 और प्लस 1/4 इंच लिया है तो ये बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं होगा देख सकते हैं ये स्लीव्स ज्वाइंट हो गया। अब देखिए इस मार्जिन को ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे स्लीव्स के दूसरे साइड में और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे तो ये अच्छे से दब जाएगा। आप अगर ऊपर की तरफ से सिलाई नहीं लगाना चाहते तो नीचे से आप डबल सिलाई कर लीजिएगा
देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार ये मैंने दोनों साइड का बाजू देखिए इसमें ज्वाइंट कर लिया है। आप देखिए इसको आप साइड फिटिंग कर लीजिए, यानी कि साइड से देखिए हम इसे सिलाई कर लेंगे। तो पहले देखिए इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे देखिए पहले सीधे साइड से एक सिलाई करेंगे। तो देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए मैंने पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब देखिए सिलाई से जितना ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऐसे कट करके निकाल देंगे, फिर इसको ऐसे सीधा करेंगे यानी कि उल्टा करेंगे और उल्टे साइड की तरफ से देखिए फिर से यहाँ पे हम हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। देख सकते हैं ये साइड से सिलाई लगा लिया है। इसी प्रकार मैंने देखिए दोनों साइड में सिलाई लगा लिया। अब देखिए इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो पहले इसको देखिए ऐसे बटन वाली जो पट्टी है इसको ऐसे बराबर नाप लीजिएगा और नीचे से अगर कम ज़्यादा हो गया हो तो पहले कट करके बराबर कर लेंगे और फिर इसको देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। तो पहले देखिए ऐसे एक पॉइंट फोल्ड करेंगे सिंगल फोल्ड और इस प्रकार पूरे में किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे और फिर से इसको देखिए ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। देखिए अगर नीचे की तरफ आपको चौड़ा फोल्ड रखना हो तो कटिंग करते समय ही नीचे से आप और एक इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। बहुत लोग देखिए यहाँ पे चौड़ाई में ज़्यादा फोल्ड करते हैं तो उसके लिए आपको एक डेढ़ इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। अब देखिए हम कॉलर की कटिंग करेंगे तो कटिंग करने से पहले यहाँ पे देखिए ऐसे लंबाई नाप लेंगे। इसकी जितनी लंबाई आएगा देखिए वो तैयार होने के बाद एक इंच कम हो जाता है क्योंकि काजू और बटन की जो पट्टी है बटन लगाने के बाद ये एक इंच तक एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। तो जितना आपको कॉलर तैयार रखना है देखिए उससे आप एक इंच एक्स्ट्रा ही लीजिएगा। अगर गले की लंबाई कम लगे तो फ्रंट साइड से पौने पौने इंच या फिर हाफ हाफ इंच आप कट करके इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो मेरे देखिए ये 13 इंच आया तो ये मैं जब तैयार करूँगी तो ये 12 इंच का तैयार होगा। तो गले की लंबाई जैसे 13 इंच आया था तो यहाँ पे हम मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है ताकि निशान लगाते समय ये अच्छे से समझ में आए। और चौड़ाई मैंने 1.25 इंच लिया है। छोटा बच्चा हो ज़्यादा तो 3.5 इंच ही लीजिएगा, 3.25 इंच। तो पहले देखिए इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे देखिए 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब देखिए जितना लंबाई आया था मेजरमेंट लेते समय उसका हाफ करेंगे और देखिए ये 6.5 इंच आया मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आपका जितना आता है 7 इंच तो 7 इंच पे लगाइएगा और ऐसे सीधा कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसे नीचे से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको भी देखिए इसे सीधा कर लेंगे और फिर यहाँ पर लगभग 2 पॉइंट लेते हुए देखिए इसको ऐसे मिला देंगे। हल्का सा राउंड करते हुए यहाँ पर मिलाएंगे। देखिए अगर आपके पास ये सेप पट्टी हो तो इसकी मदद से आप आसानी से ऐसे मिला सकते हैं। अब देखिए जो 1.5 इंच वाला हमने निशान लगाया था यहाँ पे ऐसे नापेंगे तो ये 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग 1.25 इंच देख सकते हैं। तो उतना पे इधर भी निशान लगा लेंगे और इसको देखिए ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पर हल्का सा देखिए गुलाई करते हुए मिलाएंगे और फिर इस साइड से देखिए यहाँ पर ऐसे 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को देखिए यहाँ पे कॉर्नर के पास मिला देंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे नापेंगे ये कितना है तो ये लगभग 1.25 इंच है। तो उससे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेते हुए देखिए हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को देखिए यहाँ पे मिलाएंगे ऐसे। देखिए नीचे वाला जो पार्ट है उससे ऊपर वाले पार्ट की चौड़ाई 2 पॉइंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो देख सकते हैं पूरा मार्किंग कर लिया। अब देखिए सेम निशान पे कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे चाहें तो चौकोर भी रख सकते हैं या फिर इस प्रकार हल्का सा राउंड शेप में भी कटिंग कर सकते हैं और फिर यहाँ पे देखिए ऐसे बीच से दोनों कॉलर को हम अलग अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार देख सकते हैं ये कॉलर की कटिंग हो गया। अब देखिए इसको हम फैब्रिक पे रखते हुए पेस्ट कर लेंगे। बीच में देखिए लगभग 1/2 इंच गैप रखेंगे दोनों के बीच में और ऐसे देखिए आयरन लगा लेंगे। आयरन से देखिए ये अच्छे से चिपक जाता है। अब देखिए जो नीचे वाली पट्टी है इसमें हम सिलाई के लिए रखते हुए ऐसे कटिंग करेंगे। देख सकते हैं चारों साइड से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए।
अब देखिए जो ऊपर वाली पार्ट है इसमें भी हम सेम डबल फैब्रिक ले लेंगे और नीचे की तरफ भी देखिए हम इसके बराबर फैब्रिक ले लेंगे। तो मेरे पास ये जो फैब्रिक था थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो मैंने देखिए यहाँ पे ये जॉइंट लगाया है, लंबाई में कम हो रहा था तो, और इसको देखिए जॉइंट करने के बाद सेम इस पट्टी के बराबर देखिए कट कर लिया है। अब देखिए नीचे से जितनी बकरम है देखिए उससे जितना ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है सबको ऐसे देखिए फोल्ड कर लेंगे और फिर इस प्रकार कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब देखिए इसके ऊपर ऐसे इसको रखेंगे और ये जो ऊपर वाला पल्ला है देखिए इसमें जॉइंट करेंगे। तो पहले देखिए बकरम से किनारे किनारे ये मैंने सिलाई लगा लिया है और फिर छोटा छोटा कट लगाने के बाद देखिए इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। कॉलर का जो कॉर्नर है देखिए इसको अच्छे से सीधा करेंगे पहले और फिर इसके ऊपर देखिए ऐसे सिलाई लगा लेंगे। लगभग एक पॉइंट देखिए ऐसे अंदर से सिलाई करेंगे पूरे में और फिर इधर भी देखिए ऐसे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई करने के बाद बकरम से जितना ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है देखिए ऐसे कट करके बराबर कर लेंगे और फिर देखिए सेंटर में कट लगाएंगे छोटा सा और इसके भी सेंटर में देखिए ऐसे कट लगा लेंगे। तीनों के देखिए मैंने सेंटर बना लिया है। अब देखिए तीनों का सेंटर ऐसे मैच करते हुए रखेंगे और जितना मैंने यहाँ पे देखिए मार्जिन लिया है बिल्कुल उतना ही पकड़ते हुए इस प्रकार पूरे गोलाई में सिलाई लगा लूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट करके दिखाया है, कॉलर की डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने इसके पहले कुछ दिन पहले अपलोड किया है, लिंक आपको इस वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैंने देखिए थोड़ा सा फास्ट कर लिया है। अब देखिए नीचे से सिर्फ सिलाई के लिए दो पॉइंट रखेंगे और ये ज़्यादा एक्स्ट्रा था तो देखिए इसको मैंने कट करके अलग कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे इसका सेंटर करेंगे और इसको भी यानी कि शॉर्ट को भी ऐसे बीच से फोल्ड करते हुए बैक साइड में देखिए ऐसे कट लगा लेंगे सेंटर में। इसके बाद देखिए कॉलर को यहाँ पर सीधे साइड की तरफ रखेंगे और जितना आपने यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग किया है बिल्कुल उतना ही फैब्रिक पकड़ते हुए देखिए ऐसे सिलाई लगाइएगा। देख सकते हैं बिल्कुल बराबर हो गया है। अब देखिए इसी प्रकार ऐसे दूसरे साइड में भी सिलाई करेंगे। इसके बाद देखिए कॉलर को ऐसे सीधा कर लेंगे और मार्जिन को देखिए इसके अंदर ऐसे दबाते हुए पूरे में किनारे किनारे सिलाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऐसे डबल सिलाई लगाएंगे यानी कॉलर के बीच में एक सिलाई करेंगे ताकि अच्छे से दब जाए। देख सकते हैं ये कॉलर तैयार हो गया है। इस प्रकार यहाँ पे ये बटन लग जाएगा। देखिए मैंने अभी पॉकेट नहीं लगाया है तो यहाँ पे हम पॉकेट अटैच कर लेंगे। जो आर्म होल वाली सिलाई है देखिए वहीं से हम लगाना स्टार्ट करेंगे और इधर से देखिए ये 2 इंच पर निशान लगाएंगे, इसके अंदर की तरफ लगाएंगे पॉकेट। बड़ा साइज हो तो 2.25 इंच भी आप ले सकते हैं। तो पॉकेट बनाने के लिए देखिए मैंने 7 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई लेते हुए ये मैंने फैब्रिक कटिंग किया है। इसको देखिए ऊपर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे यानी कि लगभग 1 इंच चौड़ी पट्टी देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर देखिए इसके ऊपर से मैंने डबल सिलाई लगा लिया है 1 फुट बगल से। अब देखिए किनारे से यहाँ पर एक मोटा वाला सिलाई कर लेंगे। इस सिलाई को देखिए मैं बाद में निकाल दूँगी, टाके को बड़ा करते हुए ही मैंने सिलाई किया है। सिलाई करने के बाद यहाँ पे देखिए पॉकेट की चौड़ाई 4 इंच ले लेंगे और लंबाई देखिए ऐसे लगभग 4.5 इंच ले लेंगे और इस साइड से भी देखिए ये जितना 4 इंच से एक्स्ट्रा है इसको भी देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए इन सभी सिलाई को मैं बाद में निकाल दूँगी और ये जो 4.5 इंच वाला निशान है लंबाई है जो पॉकेट की, देख सकते हैं 4.5 इंच पर सेंटर में मैंने निशान लगाया है तो यहाँ पे सेंटर करेंगे और इससे 1/2 इंच ऊपर देखिए ऐसे दोनों साइड में निशान लगा लेंगे और इसको देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। देख सकते हैं सेंटर को हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे 1/2 इंच और इस प्रकार दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ पे भी देखिए ऐसे सिलाई करते हुए इसको सेट कर देती हूँ। देखिए आप चाहें तो प्रेस से भी सेट कर सकते हैं, प्रेस लगा लेंगे तो ये बैठ जाएगा। मैंने सिलाई करते हुए सेट कर लिया है, सभी सिलाई को मैं निकाल दूँगी। अब देखिए जो हमने निशान लगाया था
आर्म होल के नीचे और साइड से 2 इंच अंदर की तरफ। यहाँ पे हम देखिए पॉकेट को ऐसे सेट करेंगे और यहीं पे रखते हुए देखिए पॉकेट के किनारे किनारे ऐसे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए अच्छे से ऐसे पक्का कर लेंगे ताकि ये ना खुले। देख सकते हैं पॉकेट अटैच हो गया। अब देखिए जो मोटा वाला सिलाई मैंने किया था सेट करने के लिए, सभी सिलाई को ऐसे निकाल दूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये शर्ट बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए इसके ऊपर आयरन कर लेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। देखिए अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो ये वीडियो आपके लिए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।